हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका और आज आपको सबको कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत अभिनंदन। आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज के दिन हम नदी या तालाब, समंदर, कहीं भी अपने आसपास जो भी हो वहां जाकर हम नाव छोड़ते हैं और दीपदान करते हैं। दीपदान जो है देवताओं को किया जाता है और दीपदान करने से आज के दिन देवी देवता जो बहुत ही खुश होते हैं और ये हम कामना करते हैं कि हमारे परिवार भी सब हमेशा खुशी से रहें। इसीलिए आज के दिन हम ये दीपदान करते हैं। नदी, तालाब, कहीं भी जहाँ पर आसपास पानी की जगह हो वहाँ पर जाकर ही ये जो केले का डंडा होता है उसी का नाव बनाकर छोड़ते हैं। लेकिन आजकल तो बहुत कुछ ऐसे नाव बनाकर लोग छोड़ने लगे हैं, तो हम भी नाव बनाए हैं, छोटे छोटे पेपर के नाव बनाए हैं। यहाँ पर वो केले का डंडा नहीं मिलेगा और हम कहीं बाहर नाव छोड़ने भी नहीं जा सकते। तो हमने क्या किया है कि छोटे छोटे नाव बनाकर हम अपने बाथरूम में ही, आप देख सकते हैं मैं कहाँ पर खड़ी हूँ, ये जो है हमारा बाथरूम है। बाथरूम में ही हम अपने बाथटब में पानी भरकर प्रिपरेशन किए हैं कि नाव छोड़ेंगे। और हर साल मैं शादी के बाद जब से यहाँ आई हूँ, हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि मैं सब मिस करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, बाथटब में पानी खोल करके भर के उसमें नाव छोड़ते हैं। तो ये जो है पहले घर के बड़े वो नाव छोड़ते हैं, उसके बाद बाकी और घर पर जितने मेंबर होते हैं सबके नाम से एक एक दिया और नाव छोड़ा जाता है। और यहाँ पर हम तीन लोग हैं और घर वाले तो सेलिब्रेट करते हैं, घर वाले तो सब तालाब में जाकर नाव छोड़कर आ चुके हैं। और अभी हम करेंगे इंडिया के रिचुअल अकॉर्डिंग जो टाइम था वो तो हो चुका है, अभी तो इंडिया में शाम हो गई है और यहाँ पर सुबह हुई है। तो अभी हम सारे प्रिपरेशन करके पूजा स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखिए कि कार्तिक पूर्णिमा की पूजा कैसे होती है। तो ये हम पहले समर्पण करेंगे। अभी मैं अपने उड़िया में एक श्लोक बोलते हैं और वो मैं बोलूंगा, ठीक है? नाव छोड़ते टाइम अकाम गोई पनगुआ थोई पनगुआ तोरो मसगजक धर्म मोर अखाम गोई पनगुआ थोई पनगुआ तोरो मसगजक धर्म मोर। तो फ्रेंड्स, ये जो है पहले दिया, घर के बड़े जो है वो पहले दान करते हैं, तो पहले इन्होंने किया, अभी मैं करने जा रही हूँ। ये जो है हम पानी में बोलकर दान करते हैं, आ का मा बोई पानो गुआ थोई, पानो गुआ थोरो मासो का जाकर धरो मोर।
और ये जो है ईशा की है और ईशा अभी सोई है, इतनी सुबह सुबह उठती हुई है, तो इसके नाम पर हम दोनों इसको दान करेंगे। तो फ्रेंड अभी हम जाएंगे तुलसी पूजा करने। जैसे कि पता ही होगा आपको, कार्तिक के महीने में पूरा महीना जो हम तुलसी पूजा करते हैं। तो हम घाट से आने के बाद या नदी जहाँ भी जाते हैं नाव छोड़ने के लिए, वहाँ से आने के बाद फिर हम तुलसी की पूजा करते हैं। तुलसी के नीचे रंगोली बनाते हैं और रंगोली जो है हम पूरी जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, उन तीनों की रंगोली बनाते हैं और तुलसी की, आंवला की, सबकी ऐसे रंगोली बनाते हैं। लेकिन मैं बना नहीं पाई तो मैं बस थोड़ा सा ही बनाई हूँ। तो हम तुलसी की पूजा करेंगे, अभी चलिए हम भी तुलसी की पूजा करते हैं। हमारे वहाँ पोहा और चीनी को पूजा करते हैं। पोहा का भोग लगाते हैं। हाँ, पोहा और जैसे इस महीने में अमृत बहुत ज़्यादा होती है, तो अमृत, पोहा, चीनी, वो सबका भोग लगाते हैं हम। और इसको हम ब्रेकफास्ट भी करते हैं, पोहा, चीनी, दूध, दही, जो भी जिसको पसंद, ब्रेकफास्ट भी हम आज के दिन वही करते हैं। तो आज मैं भोग वही लगाऊँगी। तो फ्रेंड्स, उड़ीसा में कार्तिक पूर्णिमा ऐसे मनाई जाती है और आपने देखा मैं कैसे पूजा की, ऐसे ही घाट पर पूजा होती है। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही फेस्टिव वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा।